हेलो हेलो, ये देखे डरना शुरू। हाँ दी दे रहे ने, और रात को ये मारने को आ रहा था मुझे, ये वाला ग्रे वाला। वेखनी है, वेखो यदि कैसा देख रहे हो, ये येलो वाले की हरकतें देखा करे। ओए व्हाट आर यू डूइंग। हेलो, यार ये कंफर्म हो गया आपके, ये जोड़ा है हमें कंफर्म है। आप ओए कैमरे को लगा दरवाज़ा। नीचे वाले पिंजरे में रोज़ाना कुछ ना कुछ होता है, आपको पता ही है, रोज़ एक ना एक चीज़ ऐड होती है, लेकिन आज एक कम हो गई है। वो जिसके ब्लैक कबूतर लेके आए थे ना, उसको वापस दे दिए हैं। वो घर वालों को पसंद नहीं आए ब्लैक कबूतर, वो वापस चले गए, और ये लड़ाई शुरू। लेकिन बाकी ये पास ही है। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला मुझे इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन सही है। मुर्गियाँ अपनी यस है माशाल्लाह से, हटी कटी। ये उड़ने वाले कबूतर हैं, हम ये मेरे कज़न ने छत पर रखे हुए। वो मेरे कज़न है, उन्होंने रखे हुए हैं हमारे साथ वाले घर में। ये भाई उड़ने वाले कबूतर होते हैं, ये आपको खूबसूरत नहीं लग रहे, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इनका इतना माइंड होता है, देख लें इनका छोटा सा जहन है, लेकिन ये आसमान की बुलंदी में से अपना घर पहचान लेते हैं और बैठ जाते हैं। अभी भी एक कबूतर ऊपर है मोहम्मद अली भाई का, लेकिन इनमें ये एक खासियत होती है, ये बहुत समझदार जानवर है, अपने ही घर में बैठते हैं। साथ साथ भी पिंजरे होंगे ना, फिर भी ये आसमान की बुलंदियों में से आकर अपने घर बैठते हैं, और पूरा पूरा दिन उड़ने की सलाहियत रखते हैं। पूरा पूरा दिन, सुबह 5 बजे छोड़ें तो ये रात को 7 बजे तक उड़ सकते हैं, ये इतनी सलाहियत के मालिक होते हैं ये। आम इनकी शक्ल सूरत पे नहीं जाना, ये बहुत महंगे कबूतर होते हैं। हेलो जी, 7 बजे का टाइम हो गया, स्टिल अभी छत पे हैं। आपको आज कबूतर जो दिखाए ना उड़ने वाले, उनमें से एक कबूतर ये ऊपर उड़ा, मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। अजान हो गई है, लाइटें जला दी हैं पिंजरे की। ये इनकी समझदारी देखना, ये अभी भी बैठेगा, इस अंधेरे में भी बैठेगा। ये इनका टैलेंट है इनके अंदर। तो ये हमारे कज़न मोहम्मद अली भाई ने, जिनके साथ हम क्रिकेट भी खेलते हैं, उन्होंने रखे हुए हैं अपने छत के ऊपर कबूतर। तो आज मैंने सोचा कि आज इनके ऊपर व्लॉग बनाया जाए, इन कबूतरों के ऊपर। तो ये फैंसी कबूतर नहीं होते, ये उड़ने वाले कबूतर होते हैं, और बहुत महंगे महंगे कबूतर होते हैं ये। और उनकी खासियत ये होती है कि ये टाइम हो गया और अभी भी वो उड़ रहे हैं, अजान भी हो चुकी है, और ये सुबह के आसमान में जाते हैं। और ना इनको भूख प्यास, इतनी गर्मी भी होती है, आपने देखा इनका टैलेंट, ये स्टिल अभी आसमानों में। तो ये अभी बैठेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देख ले, अभी पिंजरे में कोई भी नहीं है, ऊपर बैठा हुआ। तो जब ये बैठेगा आपको दिखाऊंगा। ये देखें, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 यार, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। शरीफ तरीन मासूम तरीन व्लॉग में आप सबका वेलकम है। सो यार, आप लोग सब कैसे हैं यार? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। सो यार, आज का व्लॉग ये था कि मैंने आपको कबूतर शबूतर दिखाएं, तो जिनको ये शौक़ है वो शौक़ कर लें। तो यही है, एक्सप्लोर करते रहें कोई ना कोई नई चीज़। तो आज आपको उड़ने वाले कबूतर उस तरीके से नहीं दिखाए, क्योंकि मुझे
उस तरीके का पता भी नहीं है, मतलब पकड़ छकड़ के आपको दिखाते हैं या कुछ उनकी ऐसी चीज़, जितना पता था आपको बता दिए। सो यार अगर आपको आपको पता भी है ये चीज़ के, जिस दिन मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसी दिन ही अपलोड करता हूँ, तो अब ऐसा करेंगे एक दिन में हम दो बनाएंगे किसी दिन, तो फिर वो ये होगा कि रूटीन बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अब एक्टिविटी भी कुछ तेज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके साथ आपको इंजॉय हो, आपको मज़ा आए व्लॉग का, जो दिन ब दिन नीचे व्यूज़ आए हैं वो फिर हम वापस करें और सब्सक्राइबर भी अपने बढ़ाएं और यूट्यूब पर प्रॉपर काम करें। सो आपको अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय।